The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. How's it going? So, badiya. Hi guys, SST is interesting, are kya baat hai sir? Namaskar sir, namaste Andrea ji, namaste, balle balle, sab badiya. So guys, the chat is here, that's why I'm looking here. So I'm gonna talk to you guys for some time, then we'll start the session. Hi guys, hi everyone. No, this is epic man, this is epic because I'm live this week for the second time. Ye toh pehli baar ho raha hai. Kyunki hamesha warna live ek hi baar aata tha main, ab dusri baar aa raha hu. Kya bata, matlab itna pyar hai aap logo se na mujhko. Batao matlab kya baat. हाय हाय भले भले जी नमस्ते, कैसे हो आप सर? नहा के आए हो? अरे राहुल जी, हर दिन हर दिन आपको क्या लगता है? ओके, हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या बात है, क्या बात है. हाय हाय सौरभ, हाय श्रेया बैतल्या, हाय लेजेंडरी जी की, कैसे हो आप? कैसे हो प्रांजल? बढ़िया. श्रेयांश, कैन आई गेट 20 सब्सक्राइबर्स? श्योर श्रेयांश जी, आई विश दैट यू गेट. हाय सानवी, प्रियंका, गुड्डू जी नमस्ते, गोलू, शशवंत, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया. चलो, ऑसम गाइस, ऑसम. हैप्पी दिवाली टू गाइस इन एडवांस एज वेल. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बहुत बढ़िया. सो गाइस, इट्स बीन रियली लॉन्ग टाइम दैट वी एक्चुअली हैड अ प्रॉपर सेशन. यू नो, हम हमेशा क्विजेस करते हैं. वी डू अ लॉट ऑफ यू नो रेगुलर सेशंस विद अगेन क्विजेस एंड एवरीथिंग. टुडे आई थॉट कि लेट्स डील विद समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, दैट इज द डायग्राम्स. करेक्ट. एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, इट हैज बीन नोटिस कि एक तीन मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है डायग्राम वाला, ऑलमोस्ट एवरी ईयर. तो आज मैं सोच रहा था कि एक बार डायग्राम सीरीज करवा लेते हैं बच्चों को, ताकि जब भी ये वीडियो देखें लाइव चैप्टर के सारे रे डायग्राम्स उनके दिमाग में आ जाए. ठीक है. सो टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, वी गोना अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रे डायग्राम्स ऑफ द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, मिरर्स, लेंसेज, 8 डायग्राम मिरर्स, 8 डायग्राम लेंसेज, टोटल 16 रे डायग्राम्स, एंड वील अंडरस्टैंड हाउ टू मेक दम सुपर सुपर सिंपल एंड सुपर ईजिली. दैट्स वॉट यू कैन अंडरस्टैंड टूडे. और रे डायग्राम सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस कैसे होती है और कहां से आती है, ये चीज भी आज हम समझेंगे. सो माई डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग. लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रे डायग्राम्स एंड लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ दम सुपर ईजिली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, द वेदांतु स्लाइस क्लास 9th एंड 10th चैनल हैज क्रॉस्ड 5 मिलियन वॉच मिनट्स. यानी के दैट मीन्स यू गाइस हैव वॉच्ड आवर सेशंस फॉर द पास्ट मंथ फॉर 5 मिलियन वॉच मिनट्स ओनली इन द पास्ट मंथ. आई हैव नो आइडिया हाउ मेनी आवर्स इज दैट, आई हैव नो आइडिया हाउ मेनी डेज इज दैट, बट आई नो वन थिंग दैट इट इज ह्यूज. थैंक यू सो डैम मच गाइस, थैंक यू सो डैम मच. इट हैज हैपेंड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस. 5 बिलियन, दैट मीन्स 50 लाख वॉच मिनट. Thank you so much guys, thank you so much. This has just happened only because of you guys, and we take this as a very big achievement. Thank you so much. Theek hai. So with that guys, let's increase the watch time for this session as well by hitting that like button, sharing to your friends, and also subscribe to the channel if you guys haven't yet. Subscribe to the channel right now so that this kind of amazing content for every day, every subject for CBSE 10th along with all the quizzes, you get notified about this every single time. Hit that subscribe button, also hit that bell icon, and let's go ahead and start today's session. Now, as you can see, the slide is blank, kyunki aaj main khud banaunga. Aaj bahut mehnat karne wale hain hum. To bachcho, everyone ready with your notebook and pen? Everyone ready with your notebook and pen? Because today we both are going to draw a lot. We're getting back to the diagrams. Ready? Today I'll tell you what are the easiest ways. Thank you so much guys. Yes, 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 yes. Everyone give me a quick balle balle. Awesome. Chalo, theek hai. To start karte hain with a very basic concept called as, I don't know how many of you guys know this, this concept is called as SIR. Sir. How many of you guys know the concept of Sir? Sir, help us to draw the ray diagrams very easily with Sir. Not me, Sir. Some other Sir. Who is this Sir? Kisko pata hai Sir ka matlab kya hota hai? Any ideas? Thank you so much, Shashwat. Kisko pata hai Sir ka matlab kya? 695 days, 5 minutes. Thank you so much, Legendary Gaming. You know idea? अरे नहीं पता आपको, मैं बताता हूं. सर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस. वॉट इज दिस स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस? आपको इनके बारे में पता है लेकिन शायद ये नाम नहीं पता हो. कितने लोगों को पता है ये स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे क्या होता है? वॉट इज स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे? यार ये सर किसको पता है? पता सबको? नहीं पता? क्या बात है. 200 बच्चे देख रहे हैं, 200 बच्चे जो यहां पे देख रहे हैं, पता है आप लोगों को? पता है ना? वेरी गुड. इवन इफ यू डोंट नो, लेट मी रिमाइंड इट यू कि होता क्या है. तो बेसिकली गाइस,
अगर मेरे सामने एक मिरर है, चलो मैं मिरर से, आई एम गोना टेक द मिरर अप. दिस माय कॉनकेव मिरर. सो दिस माय कॉनकेव मिरर. आई एम जस्ट गोना गिव यू अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाई आर वी गोना यूज दिस स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज राइट नाउ. सो दिस माय मिरर एंड देन आई हैव माय प्रिंसिपल एक्सिस. And on the principal axis, I have my pole, this is my focus, and this is my center of curvature. Imagine that my object is here. Beyond center of curvature, I've kept my object. Now I have to draw the image. Every one of us know, and every one of you should know very clearly, that from the object, I can have infinite number of incident rays coming out. Kitne? Infinite number of incident rays coming out from infinite number of points of the object. Theek hai? So which incident ray should I take to actually get my image? The incident rays are supposed to go and hit the mirror, and from the mirror they should get reflected back, and once they get reflected back, once I get two reflected rays intersected, there I'll get the image. This is my image formation. I hope all of you guys know that. Light chapter start ho gaya hoga. So yaar, which incident ray should I take? Chalo, let's imagine that I rub this off completely and I take an incident ray like this. Okay, let's imagine. So this is my concave mirror, this is my pole, this is my object. I take an incident ray which is like that. Theek hai, ye maine incident ray uthaya, which is absolutely correct. There's no point about that ki ye wrong hai. Nahin, correct hai ekdam. Ab I want to find out the reflected ray of this scenario. What should I do first? I need to get the angle of incidence. Why? Because once I get the angle of incidence, I will get my angle of reflection. Once I get my angle of reflection, I can get my reflected ray, RR. Okay? This is my incident ray, IR. Now, to get my incident ray, to get my, angle of incidence, what do I need? What is angle of incidence? Angle of incidence is the angle between incident ray and the normal. So, yaar, incident ray to hai mere paas. Normal ka hai? तो नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल कैसे बनाए? इजी है. दिस मिरर इज बेसिकली अ सर्कल, है ना? ये मिरर क्या है? बेसिकली सर्कल है, करेक्ट? सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ आई जॉइन एनी लाइन लाइक दिस टू द सर्कमफेरेंस, दैट इज बेसिकली द रेडियस मेक्स अ 90 डिग्री टू द सर्कमफेरेंस, है ना? बिल्कुल है. So that means from the center of curvature of the mirror, if I make a line at this particular point, that would be a 90 degree. That means that is the normal right there, and this is the normal right here. So ye mera ban gaya normal. Lo. That means to make a normal, I just have to connect the center of curvature and the point where I need my normal, and I get my normal right there. Awesome. So now I have got my angle of incidence. This is my angle of incidence. Between the incident ray and the normal, I got my angle of incidence. Okay. So I got my angle of incidence. Ab main is angle ko, bacha kar rakke kya karunga? Angle of reflection bhi pata kar lunga. Ye mera angle of reflection ban gaya. Same and same. Then once I get my angle of reflection, wahan se ek line nikalunga and I get my reflected ray. Wow. This was a 4-step process. Draw the incident ray, get the angle of incidence, get the normal, get the angle of reflection, then draw the reflected ray. That becomes a 5-step process, which we cannot do for every ray diagram. We cannot do that. And this is where exactly we come and talk about standard incident rays. Abhi standard incident ray kya kehta hai? Ab main aapko batata hu ki standard incident ray ka magic kya hai. Now, if I take a concave mirror, standard incident ray tells me if the light ray is coming parallel to the principal axis, then after reflection, where it will go, guys? Once it is parallel to principal axis, after reflection kahan jayega? Focus. Very good techno. It should pass to the focus. Now to do this, did we measure any angle? No. Did we draw the normal? No. So now that is the significance of standard incident ray. With the help of standard incident rays, we can make the ray diagram super easily. That's why we use standard incident rays. Without any angle measurement, without doing anything, yaar, seedha line maro, khatam. Game khatam. Correct. Now similarly, if I draw another concave mirror, look at this. I have another concave mirror now, and this is my object, this is my focus, and this is my center of curvature. Now another, second incident ray. This is sir number one.
I'll make my sir number two now. What is sir number two? Sir number two is exactly the opposite of sir number one. Sir number one ka exactly opposite. Yani ke light ray parallel passes through focus. Let the light ray now pass through the focus. Kya hona chahiye? Agar exactly opposite hai, to ye parallel ban jayega. Did we measure any angle? No. Did we make the normal? No. Straightforward. This is how it is going to happen. Even if you measure the angle, even if you draw the normal, aise hi reflect karega wo cheez. That is the beauty of standard incident ray. So SIR 2 ho gaya, solid. Now let me go for solid number 3. Solid number 3 nahi, sir number 3. Sir number 3 kya kehta hai? Sir number 3 aapke samne hai. Ye wo ye kehta hai, simple si baat hai yaar. Sir number 3 to mashallah, matlab ye focus ya center of curvature hai, ye object hai. In dono sir 1 sir 2 pe, in dono sir 1 and sir 2 mein, we were talking about the focus. Now we'll talk about the center of curvature. Why? Because center of curvature is feeling bad. So we'll involve center of curvature also. He's like, sir, you don't involve me anywhere. Let me involve center of curvature here. Theek hai? So the light ray is now passing through center of curvature. It meets the mirror here. And then apparently, it comes back through the same path. Itna ghamand. So much of ego. Light ray just goes there, hits the mirror and comes back. Why is that? Anyone knows the answer ki aisa kyun hota hai? Passes through the same path. Why does it retrace the same path? Any ideas for that, guys? Why does it retrace? Kisi ko koi idea hai ki retrace kyun karta hai ye? Normal? Because angle of incidence is 0 degrees. Yes. Because I just told you right now, just a moment ago, any line joining the center of curvature and this particular circumference of the mirror, it would be nothing but 90 degrees. So if this is 90 degrees, that means incident ray is 90 degrees to the mirror. Incident ray. Yani ke incident ray hi 90 degrees pe pad rahi hai. और यानी कि नॉर्मल भी ऐसे ही है. नॉर्मल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, इंसिडेंट रे इज ऑल्सो 90 डिग्रीज. यानी कि ये नॉर्मल है, ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है एकदम एकदम उसके ऊपर. तो देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल? दोनों का एंगल जीरो हुआ है. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? जीरो डिग्री हो गया. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो डिग्री. सो दैट मीन्स इफ इट केम लाइक दिस, इट विल गो बैक लाइक दिस विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विद जीरो डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन. खत्म. सो दीज थ्री सर्स are the only sirs you need to draw any ray diagram in the case of a concave mirror, convex mirror, concave lens and convex lens. Only these three sirs. ठीक है? Lenses के मामले में sirs थोड़े different है. That we'll speak about later. First, let's focus on the mirrors. ठीक है बच्चों? So now we're gonna go forward and we'll talk about the concept of concave mirror and convex mirrors. We'll do something very interesting. What we'll do basically, हम क्या करेंगे basically? सबसे पहले विल टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंसेस. विल टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे. क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ द रे डायग्राम्स आर अमेजिंगली इक्वल टू इच अदर. ठीक है, अमेजिंगली इक्वल टू इच अदर. सो विल ट्राई टू ड्रॉ बोथ ऑफ देम पैरेलली टुगेदर. ठीक है, एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है बच्चों, अब पूरा ध्यान दो. ठीक है, सो नाउ वी गोना ड्रॉ फर्स्ट दी सिक्स रे डायग्राम्स ऑफ योर कॉनकेव मिरर. सिक्स रे डायग्राम्स. नाउ यू ऑल आर गोना ड्रॉ विथ मी, टू ड्रॉ इट विथ मी. व्हाट आई वांट फर्स्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू डू इज फर्स्ट ड्रॉ सिक्स कॉनकेव मिरर्स. मेरे साथ बना लो जल्दी से नोटबुक में. तीन ये हो गया. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ड्रॉ, वॉन्ट आई वॉन्ट यू गाइस टू ड्रॉ विथ मी सिक्स कॉनकेव मिरर्स. ऐसे छह बना दो. ठीक है, प्यार से बना दो. प्यार झलकना चाहिए ऐसे. द लव शुड स्प्राउट आउट फ्रॉम दिस. प्यार से झलकना चाहिए. ये कितने प्यार से बना रहा हूं मैं, देखो आवाज भी आ रही. ठीक है, ये हो गया, बन गया मिरर. नाउ व्हाट विल डू, यू विल मेक द प्रिंसिपल एक्सिस. सब पे प्रिंसिपल एक्सिस मारो. ठीक है, बन रहा है, सबका बन रहा है. प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया. जल्दी बनाओ मेरे साथ. प्री बोर्ड के लिए रिवीजन कर रहे हो आप. यू आर रिवाइजिंग फ्रॉम योर प्री बोर्ड, यू आर रिवाइजिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो डू इट विद मी. नाउ लेबल एवरीथिंग. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो अंदाजे में मेक श्योर दैट द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे आर इक्वल इन लेंथ. दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल. सो मेक इट एज अ रफ स्केच, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू वांट टू मेजर, यू कैन मेजर ऑल्सो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर.
every diagram, please do that. Pole, focus, center of curvature. Pole, focus, center of curvature. Khatam. Pole, focus, center of curvature. Sabko ban raha hai pe? Alag ban gaya sabka? Everyone is done till here. Everyone is done until here. Concave mirror ray diagrams. We are doing it as fast as possible. Theek hai? Thank you so much. Thank you so much, Anwar. All done. All good. All great. Chalo, theek hai. Now we'll start one by one. Now let me tell you, what is the most important thing in terms of your board examination? The most important thing in terms of your board examination from ray diagrams is, what is the position of your image? What is the nature of the image? And what is the size of the image? These are the three things the most important to your board examination. Position of the image, nature of the image, size of the image, which after drawing will anyways understand. So everyone completely concentrate here, bachcho. Agar abhi concentrate nahi kiya, toh fir concentrate karke baad mein fayda hai nahi. Hey Bhagwan. Red aaya. Red ki chahiye. Theek hai, ab dekho. Now my object, first ray diagram, my object is at infinity. Where is my object? My object is at infinity. And when my object is at infinity, one single thing, it is assumed that the light rays are coming to be parallel. Simple. The light rays are coming to be parallel. Okay, so I'll take two rays coming parallel. First ray, parallel to principal axis. Another ray, parallel to principal axis. Taken? Okay, two rays coming parallel to each other. Done. Now, my dear students, if the light rays are parallel, after reflection, what should happen? Haan, Preeti, SRK bhi aayega. Yes, yes, SRK aayega, aayega. Dheere dheere aayega, SRK aayega, zarur aayega. It will be focus. Yes, this is our first SR. This is our first sir itself, sir number one. Sir number one was very intelligent. He said, if the light rays are parallel to principal axis, it will pass through the focus. Arre valle, kya baat hai? This pass through the focus. This also pass through the focus. Now in the ray diagram, it's absolutely important in your CBSE 10 board examinations that you define the arrow. If arrow marks are not there, half marks is going to be deducted. This here in the paper pattern, it has been mentioned. Marking scheme mein mentioned hai ki if you do not mention the arrow marks, gone, half marks. Theek hai? So every ray diagram should have arrow marks. Ban gaya arrow marks. Where has the intersection happened? Intersection has happened at the focus. So where is the image formed? Jahan pe intersection hua, wahan pe image banega. Theek hai? So what is the position of the image? At the focus. What is the nature of the image? Nature of the image is, since the light rays are intersecting by themselves, अपने आप से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं भाई. एंड रियल वर्ल्ड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो मिरर के सामने रियल वर्ल्ड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये रियल इमेज. एंड एवरी रियल इमेज इज इन्वर्टेड एज वेल. हर एक रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड. साइज क्या हुआ? कैन यू गाइस सी द इमेज? नो, आई कांट सी द इमेज बिकॉज इट्स हाईली डिमिनिश्ड. तो इसको मैं लिखूंगा एच डी. क्या है वो एच डी? मतलब हाई डेफिनेशन नहीं, हाईली डिमिनिश्ड. लिख लिया, कूल. चलो सेकेंड रे डायग्राम पे आते हैं. ये मेरा है सेकेंड रे डायग्राम, ठीक है. नाउ व्हाट वी गोना डू, विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू मिरर. विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू मिरर, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब मिरर के पास लाते हैं. तो मिरर के कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड सी रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप. पहले इन्फिनिटी पे था, नाउ विल ब्रिंग इट क्लोजर. नाउ हियर विल यूज, यहां पे मैंने, हमने पहला सर यूज किया था, यहां पे भी एक दो सर यूज कर लेते हैं, ठीक है. तो सर नंबर वन अप्लाई करते हैं. सर नंबर वन क्या? अगेन द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. चलो बन गया मेरा पहला लाइट रे, पहला सर नंबर वन बन गया. सर नंबर टू, सर नंबर टू कौन सा उठाएं? सर नंबर टू उठाते हैं द लाइट रे विच विल पास थ्रू द फोकस. चलो द लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल. अरे वाह, कहां हुआ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन हुआ यहां पे, तो इमेज कहां बनेगा? यहां पे. लो, so when my object is beyond center of curvature, where is my object? My object is beyond center of curvature. My image is formed between C and F. The nature is obviously real and inverted. You can observe very carefully, real and inverted. And the size is kinda lesser than my object, so it is just D. It's not HD, it is just D, diminished. Simple. Absolutely great guys, absolutely great. Bahut bahut badhiya, bahut bahut badhiya. To yahan pe आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है, सर सर यू डिडंट यूज द थर्ड सर. चलो यार थर्ड सर भी बना देते हैं. अगर डाउट है दिमाग में तो बिल्कुल मत रखो, पूछ लो. थर्ड सर मैंने बनाया ऐसे निकला, चलो यहां पे मिरर है समझ लो, रिट्रेस कर गया.
So intersection is happening at the same point. So it's not necessary that you have to draw the ray diagram with all the three sirs or how many sirs you have. You don't have to draw it with all your three sirs. You just have to draw with one sir, which is this sir, and the other two sirs, which is this. ठीक है, these two sirs, any two sirs, whichever is easy to you, you can draw it. पता है सर, बहुत सारे सर सर बोल रहे हो आप, पता नहीं चल रहा बोल क्या रहे हो, पता नहीं चल रहा तो बच्चों बता देना, ठीक है, कौन से सर की बात कर रहे हैं. तो these two, any two sirs you can take out of the three sirs which we have learned. ठीक है, now this is second ray diagram. Now we'll go into the ray diagram which is the most important. And let me tell you guys, I'm not even gonna draw these two ray diagrams. I'll tell you why. That's a small suspense for you. I'm not even gonna draw these two ray diagrams. So I'll tell you a trick to remember these two. I'm not going to tell you that. Okay, not now. I'll tell you later. Third ray diagram. My object is now a bit more closer to the mirror. So I've kept it on the center of curvature. Bit more closer. It was infinity, beyond C, on C. So my object is on C. Chalo, same two scenario. Sir number one, ban gaya. Sir number one, ban gaya. Sir number two, ban gaya. Sir number two, ban gaya. Apparently, the image is exactly formed below the center of curvature where exactly the object is. That means my object is on C as well. When my object is on C, my image is also on C. My image is again real and inverted. My size of the image is exactly equal to the size of the object. So size is same size, SS. Ban gaya. Theek hai? Third ray diagram ban gaya. Bas. Iske aage main nahi padhane wala. I am not going to teach you guys beyond this. Why? Because iske baad understood. Iske baad hum dimag lagayenge. Iske baad hum dimag lagayenge. Hum padhenge nahi. Theek hai? According to me, in your ray diagram, in the chapter light reflection refraction, there are 16 ray diagrams. Sare nahi padhne hain. Kyunki agar aap 6 se 10 padh loge, itna hi kaafi hai. Let me show you how. Theek hai? Ye teen ray diagram bana. What do you guys notice, guys? I want you guys to notice a pattern. When the object goes closer to the mirror, what happens to the image? Does the image also goes closer to the mirror or it goes away from the mirror? Understand? Look at this three ray diagrams and tell me. Look at this three ray diagrams and tell me. What happens? When the object comes closer to the mirror, where does the image go? It goes away. Yes. It goes away. Absolutely yes. Samajh mein aaya? Ye cheez. So image goes away. Maine likh diya. Image goes away. Ab dekho. When the object comes closer, image becomes bigger or smaller? Look at this. Look at these three ray diagrams. Analyze and tell me. Analyze and tell me. What happens? Image becomes enlarged. Absolutely yes. Image is getting bigger and bigger and bigger. Yes. So I'll write down. Image has become enlarged. Okay. Now, without even drawing the fourth ray diagram, can you predict it? Can you predict without even drawing the fourth ray diagram? My object here is on C. So my object here will be between C and F. Between C and F. Predict, guys. Where should be the image? Image before this was on C. So, yahan pe aur dur jana chahiye image ko. So, now the image will be beyond C. Because aur dur jana chahiye na. So, beyond C. Now, here it was of same size. So, here my image should be bigger than the object. Predicted. Completely predicted. Now, what will I do? I'll draw the ray diagram. I'll see ki whether this is right or not. Chalo, theek hai. I'll draw my ray diagram number one. Sir number one ban gaya. Light ray went. Number two. गलत बना दिया. अरे सॉरी बच्चा, रे डायग्राम में गलती कर दी हमने. बट आई होप कि आपको समझ में आ गई है. मैं बराबर निकाल देता एक बार. हाँ चलो, अब मिल गया सही. ठीक है, तो इस लाइन को मत देखना. ठीक है, अब इस लाइन को देख लो. देख रहे हो आप? वी कैन प्रेडिक्ट इट अप. एंड व्हाट विल बी दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज इज सिंपल. इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी एंड इट इज एनलार्ज्ड ई एंड इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ apart from this prediction, there is one more very magical thing about it. What is that? Can you notice something? A very beautiful thing. The fourth ray diagram is opposite to your second ray diagram. Like in all the terms, aapka fourth ray diagram is exactly opposite to your second ray diagram. Object beyond C, image between C and F. Yahan pe opposite ho gaya. Object between C and F, beyond C, image. यहां पे इमेज छोटा है या इमेज बड़ा है? ऑपोजिट हो गया. लग नहीं रहा? लग रहा है ना? सी, लुक एट दैट. सो डू यू हैव टू रिमेंबर फोर्थ रे डायग्राम? नहीं यार, सेकंड रे डायग्राम याद कर लो, उसका ऑपोजिट है. सिंपल, रियली, इजंट इट? नाउ लेट मी टेल यू वन मोर अमेजिंग थिंग. द फिफ्थ रे डायग्राम व्हिच इज दिस
it's exactly the opposite to the first ray diagram. Abhi bata diya maine. Now tell me, if that's the case, where should be the object? If fifth ray diagram is exactly the opposite to the first ray diagram, where is my object? Tell me, where is the object? It's at focus, right? It's at focus, okay. Object is at focus. Here the object was at infinity, image was at focus. Now if it's exactly the opposite, the object must be at focus, and where should be the image? The image must be at infinity. Absolutely yes. Let us prove it. Let us prove whether the image is at infinity or not. Let us absolutely prove it right now. ठीक है? तो ये मेरा पहला light ray. This is my first light ray. Passes through the focus. ठीक है? बन गया. Second light ray. Second light ray cannot pass it through the focus at all. So what will I do? I'll pass it through the center of curvature. ये मेरा light ray निकला. ये देखो. It went. It reflected back. Came back. It went. It reflected back. Came back. Now look at this. Both these light rays are parallel to each other. They are parallel to each other. These two light rays. So if these two light rays are parallel to each other, parallel rays are assumed to actually intersect at infinity. So if they intersect at infinity, where is the image formed? The image is formed at infinity. And look at this. If they intersect somewhere about infinity, so image ka height itna bada banega. Principal axis se aapka image height infinity tak jaate jaate itna lamba ho jayega. Correct na? Hamesha image itna lamba hota hai. Ab infinity pe intersect ho to itna lamba ban jayega. So image is highly enlarged, HE, highly enlarged, and obviously it's real and inverted. Dekha? So fifth ray diagram is exactly opposite to first ray diagram. First ray diagram, the image was highly diminished, but here opposite, highly enlarged. So that means you don't have to remember fourth ray diagram also, fifth ray diagram also. Matlab balle balle yaar, zindagi itni safal ho gayi hamari. We didn't have to study so much. Agar ye pehle pata hota to, hai na? Everyone enjoying the session till now? Give me a quick balle balle. Give me a quick balle balle, everyone enjoying the session till now? Because now we're going to talk about Mr. Popular SRK. Mr. Shah Rukh Khan ke baare mein baat karenge abhi. Yes. So guys, we are going to talk about our rising star, Mr. Sixth Ray Diagram, which in with love, I call it as Shah Rukh Khan. Now, why is it called as Shah Rukh Khan? I'll tell you in a moment. Theek hai? Every one of my students who have seen me on YouTube teaching about this, every one of my regular students know this is SRK. Already sab log bol rahe the, sir, SRK ka hai, SRK ka hai. Ye aa gaya hamara rising star SRK. Theek hai, ab samajhte hain ki isko SRK kyun kehte hain. Dhyan se dekho, SRK kyun kehte hain isko? Kyunki ab hamara objective kahan hai? Ab hamara objective aa chuka hai between focus and pole. Wah, hamara object abhi hai between focus and pole. Chalo theek hai, pehla light ray banate hain. Isliye pehla light mere sath banao ye pehla light ray gaya parallel, pass through the focus, balle balle. Sorted. Dusra light ray passing to the center of curvature, reflected back, retraced back. Dusra light ray. Ye dono intersect hi nahi karvat hai. Theek hai. Teesra light ray. The light ray passing through the focus. Nikal gaya se. Parallel. Theek hai. Light ray passing through the focus, which looks like passing through the focus, becomes parallel. Theek hai. ये लाइट रे निकला, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 मान लो, इसको रिफ्लेक्टेड रे 2 मान लो, इसको रिफ्लेक्टेड रे 3 मान लो. None of this reflected rays are intersecting भाई, none of them are intersecting. तो यानी कि यहां पे रियल इमेज इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्मड, बिकॉज इफ द लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट बाई देमसेल्फ, इट इज नॉट अ रियल इमेज. राइट, दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस मिस्टर रे डायग्राम. दैट्स व्हाई कॉल्ड अ शाहरुख खान, बिकॉज इट्स सो स्पेशल. व्हाई इज इट सो स्पेशल? बिकॉज this is the only ray diagram, this is the only condition at which your concave mirror gives you a virtual image. Kaise? Ab to bahut easy hai. I will project back this ray 1 behind the mirror. Piche reflected ray ko maine project back kiya. This is my second reflected ray, projected back. Ye third reflected ray, projected back. Jab in teenon ko project back kiya, intersection at a common point, that means the image is formed there. Wah! Dekh rahe ho? Image is formed behind the mirror and it is virtual and erect. That means where is the image? The image is formed behind the mirror. The image is virtual and erect and the image is enlarged. Bada hai na image? Object itna, image itna. Bada image. And that is the reason why we call this as Shah Rukh Khan. Simple. This are our six ray diagrams, guys. Obviously, Shah Rukh Khan is the most important ray diagram out of all these six, because this is the most common question in CBSE 10 board examination. So you should note this down. Apart from that,
out of this other five ray diagrams, you just have to remember the three of them, because the fourth and fifth are exactly the opposite to the second and the first respectively. Theek hai? Chalo, sabne note down kar liya. Everyone noted this down? Because if you have noted this down, concave mirror ka, convex lens I'm not going to teach you. Convex lens is super easy. Noted. Yes, amazing. Thank you so much. And if everyone is enjoying, hit that thumbs up button. Bachcho, aaj koi quiz nahi hai. Main pehle hi bol chuka hu aapko. Aaj main padhane ke liye aaya hu aur main padha ke ja raha hu. Theek hai? Aaj bahut hi important cheez padhane ke liye aaya tha aapko, diagram series, ray diagram, sare ke sare clear karke ja raha hu. So I hope all of you guys are going to cooperate with me on that. Thank you so much. Theek hai? To mirror ho gaya. यार मैं अब कॉन्वेक्स लेंस ही पढ़ाने वाला आपको, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सेम है. कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के साथ सेम है. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉनकेव मिरर्स रे डायग्राम्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस रे डायग्राम्स. पूछो कैसे. आई वॉन्ट एवरी वन टू नोट डाउन दीज थ्री थिंग्स फॉर ऑल द रे डायग्राम. सब लोग इस तीन चीज को नोट डाउन कर लो, ऑब्जेक्ट पोजिशन, इमेज पोजिशन को नोट डाउन कर लो. अभी से नोट डाउन कर लो, बिकॉज आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर दे आर. That's amazing, Rowdy gamer. Absolutely great. Take it? Oh, okay. Awesome. Done. Okay. Now I'm going to go forward for convex lens. I'm not going to draw all the ray diagrams of convex lens because I'm pretty sure you know it, how to draw it. Take it? I'll draw the first three. Then I'll draw the sixth one. Because fourth and fifth will be opposite to the second and first. Same as that. So guys, I'm going to draw four ray diagrams of convex lens. First convex lens. बनाओ मेरे साथ. सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड कॉन्वेक्स लेंस, फोर्थ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1. जल्दी से ये सब काम जल्दी. F2, 2F2. मेक श्योर दैट द F1, F2 सेम साइज, 2F1, 2F2 सेम. Optical center, F1, 2F1. Now majority of us do a mistake that you measure the F2 and 2F2 from here, from the circumference of this lens, not from the optical center. That's a mistake. Measure it from the optical center. Okay? So this is my F2 and this is my 2F2. Awesome. And one final thing, optical center, F1 and 2F1. I'm going to draw for F2 and 2F2. Let's see how to draw this diagram. ठीक है? Rough बनाते हैं अभी. अरे इसका छोड़ दिया मैंने. अरे discriminate कर दिया मैंने. Optical center, F1, 2F1, F2, 2F2. चलो बन गया. ठीक है? Convex lens बन गया हमारा. अब देखो. अब पूरे ध्यान से देखो. ठीक है? So we are getting into the convex lens ray diagrams. ठीक है? मैं mirror के positions लिख रहा हूँ अभी. ठीक है? क्या कहते हैं पहले ray diagram के लिए? When the object is at infinity, image is formed at focus, it's highly diminished, it's real and inverted. Same just yahan pe likhta hu. When the object was beyond C, image was formed between F and C, it was diminished, it was real and inverted. Third ray diagram. When the object was on C, image was also on C, it was the same size, it was real and inverted. This sixth ray diagram, that is Shahrukh Khan ke liye, image was between focus and pole, image was formed virtual and erect behind the mirror. Okay, behind the mirror. And number fifth, it was nothing but enlarged. Ye maine mirror ke liye likha hua hai. Ab main ray diagram bana raha hu. Main compare karunga ki convex lens aur concave mirror mein kitna similarity hai. Dekho, object is at infinity, light ray comes in parallel, and after reflection kahan se niklega? Focus. Since this is a convex lens, this is not a mirror, it's a lens. Mirror aur lens mein difference kya hai? Mirror opaque material hai, wo reflect karta hai, reflective surface hai wo. Lens is a transparent surface which refracts, it is gonna refract. So light ray same side wapas nahi aayegi, light ray dusri taraf jayengi. So light ray, instead of coming this same side, like in the case of the mirror, it's going to go the other side after refracting. So it'll pass through the focus. Passed. Let me take one more light ray. Okay, another light ray. I'm taking another light ray, guys. This is another light ray. This is correct. This also going to go passing through focus. Because sir number one says all the light rays parallel to the lenses also, to the principal axis, passes to the focus. Lo,
same chase, infinity, focus pay, highly diminished, real and inverted. The only difference that's going to happen here is you have to write down, sir, F2 pe banai. F1 pe nahi, ye F pe nahi, F2 pe bana. Itna hi bolna hai aapko. Baaki to same raha. Koi difference aaya? Nahi. Second array diagram. Object is beyond C. Yahan pe yaar C nahi hota, 2F1 hota hai. So, I have C ke badle likh diya 2F1. Hai to dono same cheez almost. Almost same hai. Main nahi kahunga ki 2F1 aur C same hai. Nahi keh raha hu main. Pad lena uske bare mein alag se. लेकिन वो बाद में कोई सेशन में करेंगे. लेकिन मैं कह रहा हूं बियॉन्ड 2F1 इमेज का होना चाहिए बिटवीन F एंड C. अच्छा मतलब ये होना चाहिए बिटवीन F2 एंड 2F2 होना चाहिए आपका इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2. चलो देखते हैं. पहला लाइट रे पासेस पैरेलल पासेस थ्रू फोकस. सेकंड लाइट रे क्या लूं मैं. सेकंड लाइट रे मैं लेता हूं कि लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल. हां वो भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, इसमें कोई चिंता नहीं है. लेकिन उससे बेटर एक और चीज होगा, मैं लेंसेज के लिए सर नंबर 3 अप्लाई करूंगा. सर नंबर 3 इन द लेंथ केस ऑफ लेंसेज क्या होता है, थोड़ा अलग है. सर नंबर 3 वहां पे क्या था, लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस द सेम पाथ बैकवर्ड. यहां पे सर नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस, यहां पे सर नंबर 3 ये है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोस विदाउट एनी डेविएशन. निकल गया सीधा, नो रिफ्रैक्शन देयर. ठीक है, सो व्हेन आई फाइंड द इंटरसेक्शन द इमेज इज फॉर्मड हियर एग्जैक्टली बिटवीन F2 एंड 2F2. सही, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड सब सही. सेम टू सेम एज अ मिरर एग्जैक्टली इक्वल. थर्ड रे डायग्राम, बच्चों बताओ ये आप लोग ड्रॉ करके बताओ क्या आपको एग्जैक्टली यहां पे मिल रहा है इमेज. एग्जैक्टली ऑन सी, यानी कि अगर माय इमेज इज ऑन 2F1 माय इमेज इज फॉर्मड एट 2F2, क्या आपको एग्जैक्टली यहां पे मिल रहा है. देखो बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, जल्दी बनाओ जल्दी से. Yes, you get it? Absolutely true. Yes, amazing. भले भले ये हुई ना बात. देखो फिर क्या, मुझे अभी ध्यान से बताओ, Do you even have to study the ray diagrams of convex lens? क्या convex lens के बारे में पढ़ने की जरूरत भी है आपको? हाँ शायद 6th ray diagram पढ़ना पड़ेगा, मैं बता देता हूं आपको. लेकिन क्या बाकी 5 ray diagram पढ़ना है आपको? Concave mirror समझ लो अच्छे से, equal to है convex lens, है ना? देखो no, right? Exactly. भले भले guys. Absolutely true. चलो सिर्फ अभी 6th ray diagram पढ़ लेते हैं. और ये सेम फिनोमिना विल हैपन फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस. सेम टू सेम है होगा, कोई चिंता नहीं, सेम टू सेम होगा, बिल्कुल चिंता मत करना. ठीक है, नाउ फोकस हियर. ओके, हियर माई ऑब्जेक्ट वॉज बिटवीन फोकस एंड पोल इन द केस ऑफ मिरर्स. तो यहां पे F1 और ऑप्टिकल सेंटर होगा. O इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड O. मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, लाइट रे बना रहा हूं, पैरेलल लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, सेकेंड लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. दोनों डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज कर ही नहीं रहा, तो रियल इमेज बनेगा नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोजेक्ट बैक करेंगे, इसको भी प्रोजेक्ट बैक करेंगे. इंटरसेक्ट हो गया, इमेज बन गया. देखो शाहरुख खान ऑफ लेंसेस, कौन है ये, शाहरुख खान ऑफ लेंसेस, सलमान खान मान लो इसको, बन गया. सेम प्रॉपर्टी, वर्चुअल इरेक्ट, इमेज इज एनलार्ज्ड. इतना बोलना है कि बिहाइंड द मिरर नहीं होगा, मिरर नहीं है, लेंस है. इसके बदले आप क्या बोलोगे, इसके बदले आप ये बोलोगे कि इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मान लो एज ऑन द सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे आपका इमेज भी बन गया. बाकी हर केस में आपका ऑपोजिट साइड में बनता है, इसके केस में सेम साइड में बन गया. खत्म. कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स खत्म विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ दिस सेशन. कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंसेस के नेक्स्ट 5 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे. क्यों बताओ, दो ही तो रे डायग्राम है ना, दो ही तो रे डायग्राम है, दोनों एक साथ करते चलो इस बार. ठीक है बच्चों, चलो ये मिटा रहा हूं मैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो. तो मैंने बता दिया, एक सिंपल चीज बता दी मैंने, कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस. ये बात आपको समझ में आ चुकी है इन एवरी सेंस. ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज रिफ्लेक्शन मिरर में, रिफ्रैक्शन लेंसेस में. अब आखिरी सेट ऑफ रे डायग्राम्स फॉर द मिरर एंड फॉर लेंसेस, कॉन्वेक्स मिरर. This is your convex mirror, principal axis, convex mirror. जल्दी बनाओ तो मेरे साथ, जल्दी बनाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी बनाओ. मैं मिरर बनाऊंगा, आप लोग लेंस बनाओगे. ठीक है, मैं मिरर बनाऊंगा, आप लोग लेंस बनाओगे. ये convex mirror है, बना दिया मैंने, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ curvature. ठीक है, जल्दी से मिरर बनाओ, मिरर मेरे साथ बनाना और लेंस यू हैव टू मेक इट बाई योरसेल्फ, कर लोगे आप. कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर इक्वल टू कॉन्केव लेंस, रे डायग्राम्स, ऑप्टिकल सेंटर,
F1, 2F1, वो सेट बनाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, चलो बना देते हैं. F2, 2F2, F2, 2F2, ठीक है. तो मिरर मैं बनाऊंगा, लेंस आप बनाओगे, ठीक है बच्चों. मिरर मैं बनाऊंगा, लेंस आप बनाओगे. दो ही रे डायग्राम है दोनों में. पहला, सिंपल एज दैट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, लाइट रेस कम पैरेलल. चलो सही है, लाइट रेस कमिंग पैरेलल. कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, सो इट डाइवर्जेस द लाइट रे. कन्वर्स करने के बाद वो डाइवर्स कर देता है, क्योंकि शेप देखो ना, शेप आउटवर्ड है तो आउटवर्ड ही डाइवर्स करेगा बेचारा. कॉन्केव मिरर ऐसे बेंड होता था तो लाइट रे आती थी और निकल जाती थी अंदर. कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बेंड हो रहा है तो लाइट रे आएगी और बाहर जाती है, ठीक है. सिंपल. नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी लाइट रेस आर नॉट गोना कन्वर्ज. रिफ्लेक्टेड रे तो ये ऊपर गया भाई, ये तो नीचे गया, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं. तो यू आर नॉट गोना गेट अ रियल इमेज. तो हम क्या करेंगे बेचारे बच्चों की तरह, हम प्रोजेक्ट बैक करेंगे. मिल गया फोकस, अरे वाह. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी इज सिंपल, द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड एंड ऑब्वियसली वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल इरेक्ट. ये सेम चीज वहां बनाओ आप. चलो लेंस स्केल बनाओ आप, मैं आपको दे रहा हूं कुछ वक्त. इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, सेम चीज यहां बनाओ. कैसे बनाओगे? सेम चीज बनाओ, जल्दी से बनाओ, सेम टू सेम. इजिली हो जाएगा, बहुत इजिली हो जाएगा बच्चों, ठीक है. लाइट रे आ रहा है पैरेलल, डाइवर्ज. लाइट रे आ रहा है पैरेलल, डाइवर्ज. क्योंकि एक लेंस है तो उस तरफ जाएगा रेस, डाइवर्ज हो गया. अब आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट बैक करोगे और अब देखोगे इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, एट F1. तो इमेज कहाँ बनी? एट F1. अगेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, सेम, नो इश्यूज. अब कॉन्वेक्स मिरर की बात यह है कि अभी बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, वेयर एवर यू कीप द ऑब्जेक्ट, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पे भी, आपकी इमेज सेम जगह बनेगी. देखो कैसे. तो मैंने एफ और पी को सबको निकाल दिया, मैंने ना इस पूरे पार्ट को निकाल दिया. बताता हूं आपको कैसे. देखो पूरे ध्यान से देखो, मैंने एफ और पी सबको निकाल दिया, मुझे जरूरत ही नहीं उनकी, जैसे पी रखा है मैंने, ठीक है. अब देखो ध्यान से, आपका ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया कहीं पे भी. अभी मैं उसको देखना, रे गया डाइवर्स, ठीक है. चलो दूसरा लाइटर बनाते हैं. ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है. रुक जा, ये आया. हाँ, दिस इज द लाइटर. हाँ, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट हियर, और इस साइड पे मैं फोकस डाल देता हूँ एक, ताकि समझ में आ जाए. लाइट रे डाइवर्जेस, लेकिन इसको मैं प्रोजेक्ट बैक कर सकता हूँ ऐसे आगे, ठीक है. अब मेरे को एक और लाइट रे चाहिए, वो लाइट रे मैं कहाँ से निकालूँ? सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, एक लाइट रे मैं भेजूंगा कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे. तो ये बात तो समझ में आ जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर है, क्योंकि लाइट रेज अपीयर टू कन्वर्ज बिहाइंड द मिरर ना, तो लाइट रे का फोकस यहाँ पे. सो व्हेन अ लाइट रे appears to pass through the focus, क्या हो जाता है? वो पैरेलल बन जाते हैं, करेक्ट. इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर appear to pass through the focus होता है, तो सेकंड सर में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, appear to pass through the focus. सो व्हेन द लाइट रे appears to pass through the focus, वो उस तरफ जा नहीं पाता क्योंकि मिरर आ गया बीच में, सो इट बिकम्स पैरेलल हियर इटसेल्फ. तो मैंने क्या किया, अभी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे को प्रोजेक्ट बैक किया. ये मेरा R2 है, ये मेरा R1 है, ठीक है. इंटरसेक्शन हुई यहां पे और ये मेरा बन गया इमेज. सेम चीजें, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स वर्चुअल इरेक्ट, इट इज डिमिनिश्ड. अब मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दू, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया मैंने, तब भी मेरा इमेज यही बनेगा. ध्यान से देखो वही बना, कहीं पे भी रख दू इमेज, यहां पे रख दू ऑब्जेक्ट को, तब भी मेरा इमेज यही बनेगा. देखो यही बन रहा है. सो विद द वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द इमेजेस, सिंपल एज दैट. सेम चीज गोज फॉर दी कॉन्केव लेंस. ये तो भाई मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे बताना डू यू गेट द सेम आंसर और नॉट, डू यू गेट दिस आंसर और नॉट. एक बार ट्राई करके देखना कि कॉन्केव लेंस में क्या आपको ये सेम चीज मिल रही है कि नहीं. अगर आपको मिल गई तो बल्ले बल्ले, वरना तो फिर मुश्किल है, ठीक है. थैंक यू सो मच संगीता, मीन्स अ लॉट.
तो बच्चों ये था हमारा आज का डायग्राम सीरीज वेयर वी हैव प्रैक्टिस्ड ऑल द रे डायग्राम्स ऑफ द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन. ऑलमोस्ट एवरी ईयर एज आई हैव टोल्ड यू कि रे डायग्राम से क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क्स का ऑलमोस्ट एवरी ईयर. सैम्पल पेपर में नहीं आया था तो मेरे ख्याल से बोर्ड पेपर में आ सकता है. तो पूरे फोकस से इस पूरे सेशन को देखना. इफ यू गाइस लव दिस सेशन हिट दैट लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट. हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गाइस गेट नोटिफाइड अबाउट एवरी अमेजिंग कॉन्टेंट लाइक दिस. तो बच्चों बहुत सारा प्यार. कमेंट्स में मुझे बताना कि आज का सेशन कैसा था, अगर आपको मजा आया कि नहीं मजा आया. उसके अलावा एक छोटा सा रिडल है आप लोगों के लिए जो मैं चाहता हूं कि आप लोग बताना इसका आंसर इन दी चैट कमेंट इट्सल. अभी मत बताना, कमेंट में बताना. और मैं देखता हूं कि इसका सबसे पहले आंसर कौन देता है इन द कमेंट सेक्शन, उसका नाम मैं डालूंगा नेक्स्ट सेशन के स्क्रीन पे. ठीक है तो बच्चों जल्दी से थैंक यू सो मच गाइस. तो मैं देख सकता हूं कि 200 लाइक तो ऑलरेडी हो चुके हैं. थैंक यू सो मच गाइस. तो जल्दी से लाइक करते जाओ, तूफान मचा लो. थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट. तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना इन द कमेंट सेक्शन. देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है. और कमेंट्स पे ये भी बताना मुझे कि क्या आप लोग डायग्राम कर पाए और कितने जल्दी कर पाए एंड वेदर दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू और नॉट. हम हर हफ्ते बच्चों नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं आपके लिए. पिछले हफ्ते क्रैश कोर्स चल रहा था, उसके अलावा आपका मतलब क्विजेस चल रहे थे, उसके अलावा फॉर्मूला चीट चल रहे थे, और इस हफ्ते में डायग्राम सीरीज स्टार्ट कर दिया है. तो सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे है, तो देख लेना सारी चीज़ें. सीबीएसई सैंपल पर सॉल्व भी है, देख लेना सब. ठीक है तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कमेंट्स में आपको चैट लिंक मिल जाएगी. तो टाटा बाय बाय टेक केयर, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन. टाटा बाय गाइस. ठीक है तो इस बार मैं दूसरी बार आ रहा हूँ लाइव यार, अच्छा है ना. ठीक है चलो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, विल सी गाइस इन नेक्स्ट सेशन. अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. एंजॉय योर लाइफ. बाय बाय.